हेलो दोस्तों, राम राम। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल निकिता मीना ब्लॉग चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आज का एक और न्यू ब्लॉग, तो शाम का टाइम है तो सभी को गुड इवनिंग। तो ब्लॉग के साथ बने रहना, आज का ब्लॉग भी आपके लिए अच्छा होगा। तो बोलेंगे दीदी, हर ब्लॉग में ऐसे ही बोलती हो, अच्छा होगा अच्छा होगा। तो अपने जो साथ शाम का ब्लॉग भी, बच्चे खेल रहे हैं और मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट किया है अभी। अपन घर तक जा रहे हैं तो ब्लॉग के साथ बने रहना, घर दिखा के लाएं। घर मुझे कॉल किया है, क्यों किया है, चलते हैं। बड्डा चूक रहा है घर को, दूध काढ़ा भी। और वो मेरे भाई साहब आए हैं, गकोल भाई साहब, गुड़िया को लेने के लिए। गुड़िया यहीं पे खेल रही थी और ये नार खोद रहा है, ग्राउंड की सफाई कर रहे हैं। आज तो ग्राउंड की सफाई कर रहे, तो चलते हैं अपन, है ना। तेरे बहनर खा गई कौन से कोई से बनाया आता वह तो ना पका गई खा माँ इनके कौन का इनके मैं मंजूरी आई जब सीधी गई खा गई मंजूरी हाँ खिलर बाबा अच्छा यहाँ पर कोई भी ना है और तेरे मम्मी कोई भी ना है यहाँ पे वह कौन से मनी से है और ना कोई ना वह भाई वाह हो अच्छा नीचे नीचे ऊपर छत बना जाऊं मैं चल चल ले चल लॉन्ग टूर। तो दोस्तों अब मैं कर रही हूँ ग्राउंड की सफाई। इसमें घास खोदी थी ना, तब इसको झाड़ के और चारा तो भैंसों को डाल दिया और एक कचरे को डाल देते हैं भर के, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा बार बार खोदते हैं तो इधर घास ही घास हो जाती है। हर दिन घास दोस्तों शाम का टाइम हो गया है, अब बनाते हैं खाना, क्योंकि शाम के टाइम अधिकतर मैं ये खाना बनाती हूँ। तो आज मुझे बनानी है दाल बाटी, क्योंकि मैं ससुर जी ने बोल रहा है इसलिए। तो दाल बाटी बनाते हैं अपन, तो ब्लॉग के साथ बने रहना। निकिता आ रही है अभी, आटा लगा लेते हैं बाटियों के लिए फटाफट से, फिर लेट हो रहे हैं अपन। दोस्तों मैं निकाल लेती हूँ इसमें के क्या कहेगा सौंफ, अजवाइन और मेथी सौंफ, सौंफ तो नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। तो दोस्तों ये तो मैंने डाल दिया इसमें अजवाइन, और इसमें डाल दिया ये थोड़ा सा मीठा सोडा, बेकिंग पाउडर, और इसमें के डालती हूँ थोड़ा सा बेसन, ज़्यादा नहीं कम ही डालूंगी क्योंकि दादा कम खाता है। नहीं होता चिन्नू तो ये डाल दिया, अब मैं ये नमक इतनू से एक बार डाला दो बार नहीं डालना, ये अंदर रख दो नमक बस रुक। ये रही सौ, अब इस आटे को गूंथ लेते हैं। तो दोस्तों फ्रेंड्स मैंने गूंथ लिया आटा, गूंथी मार रही हूँ मतलब ऐसे, और अपन कहते हैं ना जितना आटा गूंथेंगे उतना। तो दोस्तों ये मैंने लगा लिया आटा वगैरह सब, और अब ये सामान भी रख लिया, और अब लेके चलते हैं घी आटा और ये बाटी रखने का, ठीक है। अब चलते हैं ना, तो इसमें चढ़ा देते हैं दाल कुकर में, मिक्सर दाल, और ये ऑन वगैरह ले आई हूँ और स्टार्ट कर देते हैं। नमस्ते नमस्ते नमस्ते,
तो दोस्तों मैं इसमें बनाने स्टार्ट कर दिया बाटी, कुछ तो बना दी है और कुछ अभी बना रही हूँ। नीचे रखो। अच्छा हाँ। नीचे धरू हाँ। आपको पसंद है बाटी? पसंद है क्या आपको? हाँ। कितने ज्यादा? बहुत ज्यादा। आप दे दादा की मार ली बाटी में। जो बनाती हूँ तो दोस्तों ये सीख रही है अपनी बाटी, देखो एक तरह अच्छे से खिल गई है और ये सीख गई है अपनी बाटी। अब मैं इनको निकाल लेती हूँ, इसमें टिफिन में निकाल लेती हूँ, फिर घी लगाना सबके। ना ना मैं वो काम ना। तो दोस्तों देखो मैं इसमें घी में डाल के ये अच्छे से घी में डुबा के, मेरे को लग रही है भूख पर अभी तक नहीं बनी है सब्जी, और इसमें के निकाल के इसमें रख देंगे। एकदम हल्की सॉफ्ट तरीके से सीखे, धीमे धीमे गैस पे सेकते हैं ना तो अच्छे से सीख जाती है पूरी बाटियाँ। देखो कैसे खिल गई है पूरी। ये निकिता ने काट लिया है, ये मिर्ची टमाटर धनिया प्याज और ये लहसुन मैंने छील लिया है, अभी जो ओखली में कूट लेते हैं। और ये अपना तेल भी करीब गर्म हो चुका है, और ये दाल काम की क्या? इसे गर्म हो गया है और अब इसमें डाल देते हैं अपन जीरा। इसमें ओखली में लहसुन और अदरक कूट लिया और इसमें डाल दिया मैंने जीरा। जीरा पक रहा है और ये अपनी बाटी एक तो बना ली अभी हो रहा है। दोस्तों इसमें अपने लहसुन प्याज टमाटर वगैरह सब पक रहे हैं, ये अच्छे से भुन गए हैं। दोस्तों ये अपना अच्छे से मसाला पक चुका है। इसमें खाते थे रोटी? इसमें अच्छे से मसाला पक चुका है, इसमें डाल देती हूँ मैं दाल और ये अपनी बाटी कुछ और रह रही है, घी लगाना और बाकी अपना काम फ्री। दोस्तों ये अपनी पूरी बाटी बनके तैयार है और इसमें अपनी दाल भी बनके रेडी हो गई है। अब सबको डाल देती हूँ मैं खाना, अब सब खाएंगे, कोई अभी खाएगा कोई बाद में। इसमें बना ली हमारी राबड़ी, मक्के की राबड़ी इतनी सी। अगर किसी को राबड़ी खानी हो तो राबड़ी खा लीजिए, दाल बाटी खानी हो तो दाल बाटी खा लीजिए। दोस्तों